डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम लोग एथिल ब्रोमाइड के बारे में पढ़ रहे थे कि एथिल ब्रोमाइड का निर्माण कैसे होता है, एथिल ब्रोमाइड का क्या गुण है, उसका आकृति कैसा बनता है, उसका संरचना सूत्र कैसा होता है, ठीक है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो एथाइल ब्रोमाइड में हम लोग उसके गुण तक के पढ़ लिए थे। अब छठा नंबर में हम लोग आ गए थे जिसमें हम लोग को पढ़ना है उपयोग। तो उसी के आगे उपयोग देकर लिखेंगे ये किसका उपयोग है। तो एथिल ब्रोमाइड का उपयोग है कि एथिल ब्रोमाइड का हम लोग कहां कहां उपयोग करते हैं, ठीक है। तो उसके उपयोग में लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड का उपयोग निम्नलिखित है। पहले लिख लीजिए फिर बताते हैं। एथिल ब्रोमाइड का उपयोग निम्नलिखित है। पहला इसका उपयोग स्थानीय निश्चेतक ऐसे लिखेंगे, स्थानीय निश्चेतक के रूप में किया जाता है। दूसरा, यह कार्बनिक यौगिकों में एथिलीकरण के लिए प्रयुक्त होता है। फिर तीसरा लिखेंगे, अनेक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में उपयोगी है। चलिए, तो अभी हम लोग एथिल ब्रोमाइड का जो पहला उपयोग लिखें वो ये लिखे कि एथिल ब्रोमाइड का फार्मूला क्या होता है भाई, तो C2H5Br। अब इस एथिल ब्रोमाइड का जो पहला उपयोग करते हैं हम लोग स्थानीय निश्चेतक के रूप में करते हैं। अब स्थानीय निश्चेतक का मतलब क्या है, यह एक ऐसा यौगिक है जो प्रायः औषधि के फॉर्म में किसी स्थान को निश्चेतक के रूप में किया जाता है। अब किसी स्थान निश्चित स्थानीय का मतलब क्या है, जैसे आप कभी भी, आपके साथ हुआ होगा या नहीं भी हुआ होगा चलेगा, लेकिन आप इसके बारे में जानते हैं, जैसे मान लिया कि कोई भी डॉक्टर किसी को ऑपरेशन या ट्रीटमेंट करना शुरू करते हैं उसके पहले उसको सुन करते हैं। जैसे मान लिया कि मेरा ये हाथ है और यहाँ हाथ में पूरा यहाँ पे बहुत बड़ा जख्म, इसको चूड़ना फड़ाना वाला काम करना है, तो डॉक्टर हमें क्या करेंगे, यहाँ पे किसी खास जगह पे अगर इतना में है तो इतना में ही हमें कोई एक इंजेक्शन देंगे जो एथिल ब्रोमाइड का बना रहता है। वो क्या काम करेगा, यहाँ पे इतना ही भाग तक सुन करेगा, यानी कि इतना भाग में आप कुछ भी कर लो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो डॉक्टरों द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है, ठीक है, जो ऑपरेशन किया जाता है उसमें किसी खास भाग का सुन करना, यानी कि निश्चेतक का मतलब किसी खास भाग को सुन कर देना, यानी कि वहां पे आप कुछ भी करो तो हमें पता नहीं चलने वाला है। इसीलिए तो डॉक्टर क्या करते हैं, वहां पे सुन करके और फिर आपको जो वहां पे ऑपरेशन करना है करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा, दर्द महसूस नहीं होगा, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कुछ, यानी कि वहां से जो दिमाग तक कनेक्शन आता है वो कुछ पता नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर ये बात कहा जा रहा है कि एथिल ब्रोमाइड कहां पे उपयोगी है,
तो किसी भी स्थानीय भाव को निश्चेतक करने में, निश्चेतक का मतलब चेतना को शून्य कर देने में, उसी को निश्चेतक बोला जाता है। चेतना शून्य का मतलब शून्य कर देना। और दूसरा हम लोग लिखें कि एथिलीकरण में होता है। एथिलीकरण का मतलब कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है जिसको एथिलीकरण का मतलब होता है कि वो अभिक्रिया में भी भाग लिया जा सकता है, एथिल ब्रोमाइड। यानी कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जब एथिलीकरण करना होगा, यानी कि अभिक्रिया में भाग लेना लेने के लिए प्रयुक्त तो माना जाएगा, तो उसमें C2H5Br भी शामिल हो सकता है, उससे हम लोग एथिलीकरण भी कह सकते हैं। और फिर एक लास्ट लिखे हैं कि अनेक महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों में संश्लेषित करने में, संश्लेषित का मतलब होता है कि उसको एक नया पदार्थ का निर्माण करने में, ठीक है, संश्लेषित, जिसको पुनः चक्रण भी कहते हैं। जैसे मान लिया कि कबाड़े लोग हम लोग क्या क्या करते हैं, गली मोहल्ला में चुन के प्लास्टिक हुआ, लोहा हुआ, जो खराब है उससे एक नई वस्तु बनाकर फिर हम तक पहुंचता है। जैसे टूटी हुई कुर्सी कबाड़े वाले ले गए, फिर वो कंपनी को दिए, कंपनी ने फिर उन्हें अच्छा बनाकर और फिर वो मार्केट में ला दिया, फिर हम खरीद लिए, ये पुनः चक्रण हुआ ना। वैसे ही संश्लेषित, संश्लेषित का मतलब खराब पदार्थों को अच्छा करने में भी इस यौगिक का निर्माण किया जाता है, एथिल ब्रोमाइड का, ठीक है। तो ये तो कुछ अभिक्रिया थे एथिल ब्रोमाइड का। अब हम लोग आइए सातवां में लिखते हैं अभिक्रिया, सातवां में अभिक्रिया। अब अभिक्रिया का मतलब क्या है, अब इसका अभिक्रिया अलग अलग तरीके से होगा, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, ऐसे अलग अलग करके। यानी अभिक्रिया का मतलब यह हुआ कि एथिल ब्रोमाइड फिक्स रहेगा, एथिल ब्रोमाइड फिक्स रहने वाला है। अब इसका किसके किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, तो अभिक्रिया में पहला लिखेंगे, पहला में ब्रोमीन के साथ, पहला में क्या लिखेंगे अभिक्रिया, और अभिक्रिया के नीचे नंबर ए पॉइंट देंगे, ये क्या है, ब्रोमीन के साथ, और इसके नीचे ब्रोमीन के साथ लिखने के बाद इसके नीचे एरो देंगे। यानी ये बात समझिए आप, अभिक्रिया किसका अभिक्रिया, तो एथिल ब्रोमाइड का अभिक्रिया, ए बी सी डी यानी कि अलग अलग के साथ वो अभिक्रिया करके क्या क्या बनाता है। तो ए में लिखेंगे ब्रोमीन के साथ और उसके नीचे एरो देंगे, तब ए खत्म होगा, जब ए खत्म हो गया तो बी हम लोग किसी और के साथ कराएंगे, इस तरीके से पूरा अभिक्रिया खत्म होगा, तब हम लोग आठवें पॉइंट पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ब्रोमीन के साथ में फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्रमशः डाई ब्रोमो एथेन कॉमा ट्राई ब्रोमो एथेन .. आगे देना है ऐसे खाली स्थान, हेक्सा ब्रोमो एथेन का निर्माण होता है। चलिए अब इसको समझते हैं कि ए में जो लिखे है कि जब एथिल ब्रोमाइड यानी कि C2H5Br ब्रोमीन के साथ करेगा तो क्या क्या बनाता है भाई, तो डाई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, टेट्रा ब्रोमो, ऐसे कर करके .. लिखे है ना, हेक्सा ब्रोमो एथेन तक बनाता है। जैसे कि एग्जांपल जरा देख लेते हैं, ये रहा आपका C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, इसको अगर Br से किए तो हम लोगों को क्या बना, C2
एक हाइड्रोजन घटेगा तो Br आकर जुड़ेगा C2H4Br2, क्योंकि Br एक ठो था तो अब दो ठो बन गया। इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोमो कैगो है, दो ठो, तो इसका नाम हो जाएगा डाई ब्रोमो एथेन। ठीक है, अब फिर से पुनः क्या होगा, अब डाई ब्रोमो का फॉर्मूला यहां पे C2H4Br2 प्लस फिर से ब्रोमीन के साथ कराएंगे तो अब की क्या बनेगा, तो अब की एक और हाइड्रोजन घटेगा, मतलब इस बार हाइड्रोजन घटेगा तो क्या बन जाएगा C2H3Br3, यहां दो था ना तो एक और ऐड हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया ब्रोमो ब्रोमीन तीन को, तो इसका नाम हो जाएगा ट्राई ब्रोमो एथेन। ठीक है, फिर से पुनः अगर काम करेंगे तो ऐसे ही बनते जाएगा कहां तक, तो हेक्सा ब्रोमो एथेन तक, जैसे C2H3Br3+Br, फिर से Br से करेंगे ब्रोमीन के साथ, क्योंकि हम लोग पहला लिखे ही हैं कि एथिल ब्रोमाइड को अगर ब्रोमीन के साथ करेंगे तो डाई ब्रोमो ट्राई ब्रोमो टेट्रा ब्रोमो पेंटा ऐसे करके हेक्सा ब्रोमो तक बनेगा। तो यहां पे अगर कराएंगे तो आगे क्या बनेगा C2H2, क्योंकि हाइड्रोजन तीन था तो एक घट जाता है Br4, तो इसका नाम क्या होगा, एक एक जुड़ जाएगा यहां पे, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा ब्रोमो एथेन। ठीक है, वैसे और हम अगर आगे कर सकते हैं तो कहां तक बनता है हेक्सा ब्रोमो एथेन तक, तो अब की मिला C2H2Br4, फिर से ब्रोमीन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा एक हाइड्रोजन घटेगा, मतलब C2H क्योंकि दो था तो एक Br, ब्रोमीन चार था यहां ब्रोमीन पांच, तो इसका बना लेंगे पेंटा ब्रोमो एथेन। तो एक आप लास्ट में लिख लीजिएगा कि पुनः क्या बन रहा है, तो C2HBr5। ठीक है, C2H5Br5, फिर से ब्रोमीन के साथ करेंगे तो क्या बनेगा इस बार हेक्सा ब्रोमो एथेन। इसका फार्मूला ऊपर फार्मूला लिखेंगे, नीचे ना C2H तो हट जाएगा ना क्योंकि एक ही बचा ही है C2Br6। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें इन चीजों को ख्याल रखना चाहिए कि अगर एथिल ब्रोमाइड को ब्रोमीन के साथ करेंगे तो क्या क्या बनता है, अगर वो ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है तो डाई ब्रोमो ट्राई ब्रोमो टेट्रा ब्रोमो पेंटा ब्रोमो हेक्सा ब्रोमो एथेन। तो ये नंबर ए का था, तो ए का नीचे इतना सारा एग्जाम्पल लिख लेंगे। चलिए अब उसके बाद बी में हम लोग चलते हैं, तो बी में लिखेंगे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया ब्रैकेट में, वुड्स अभिक्रिया का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, वुड्स अभिक्रिया बोलते हैं सोडियम के साथ Na के साथ। यानी कि देखिए यही चीज तो हम पिछले दिन बताए थे कि अगर आपको कहीं भी दे दिया वुड्स अभिक्रिया कराया जा रहा है तो आपको समझना चाहिए कि किसके साथ अभिक्रिया कराना होगा, सोडियम के साथ। तो इसके नीचे एरो देंगे, यानी इस बार जो एथिल ब्रोमाइड है वो अब की सोडियम के साथ करेगा अभिक्रिया, तो क्या क्या बनाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। यहां लिखिएगा जब, एरो देकर, जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथेन का निर्माण होता है, चलिए अब बी का एग्जांपल देखते हैं कि बी में हम लोग क्या करा रहे थे,
वुड्स अभिक्रिया। एथिल ब्रोमाइड फिक्स है, उसका अभिक्रिया हम लोग देख रहे हैं सातवें नंबर में कि उसका क्या क्या अभिक्रिया है। तो वुड्स अभिक्रिया का मतलब यह हुआ, उसके नीचे एग्जाम्पल में लिखेंगे कि एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या, C2H5Br, इसी को बोलते हैं हम लोग एथिल ब्रोमाइड। इसका हम लोग किसके साथ अभिक्रिया भाई, तो वुड्स अभिक्रिया मतलब सोडियम के साथ। तो अगर वुड्स अभिक्रिया कराया जाए तो हम लोगों को क्या क्या बनेगा, तो एथेन बनेगा, और एथेन का फॉर्मूला क्या, C2H6, यानी Br यहां से हटेगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, या फिर ये समझिए कि हाइड्रोजन घट रहा होता है तो Br आकर जुड़ रहा होता है, तो यहां बन गया C2H6, तभी ना इसको बोलेंगे हम लोग एथेन। कार्बन दूठ है तो एथ, और 2N+2 के आकार का है, यानी दो दूनी के चार और दो छ, इसलिए एथेन और NaBr। तो कुल मिलाकर आपको सीखना चाहिए कि अगर एथिल ब्रोमाइड का वुड्स अभिक्रिया कराया जाए तो एथेन का निर्माण होता है। ये कितना पॉइंट्स था, बी नंबर। अब लिखेंगे सी नंबर, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया, और आपको पता है ना फ्रैकलैंड अभिक्रिया का मतलब क्या है, तो फ्रैकलैंड अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि जिंक के साथ, क्योंकि जेडन का ये सूचक है जिंक के साथ, बताते हैं ना फ्रैकलैंड किसको कहते हैं, जब जिंक के साथ कराया जाता है। तो उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड को, जब एथिल ब्रोमाइड को जिंक के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथेन का निर्माण होता है, चलिए तो अब दूसरा अभिक्रिया भी याद रखना पड़ेगा। अगर एथिल ब्रोमाइड को इस बार हम लोग फ्रैकलैंड अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसका एग्जाम्पल में क्या हम लोग ऐड करेंगे, इसका एग्जाम्पल में बस फ्रैकलैंड का मतलब क्या होता है, जिंक के साथ। तो याद रखना पड़ेगा, यही चीज तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है कि अगर एथिल ब्रोमाइड को आप सोडियम से कराओ या जिंक से कराओ, हमेशा क्या मिलने वाला है, हमें एथेन ही मिलने वाला है। तो इसलिए यहां पे सिर्फ Na के जगह पे Zn हो जाएगा, और ये वाला एग्जांपल अभी फ्रैकलैंड वाला अभिक्रिया में लिख लेंगे कि अगर एथिल ब्रोमाइड को जिंक के साथ कराया जाता है तो एथेन बनता है, ठीक है। और ये बहुत, ये सब जितना भी रिएक्शन हम लिखवा रहे हैं ना, पूरा टोटली बुक से छपवा इसलिए नहीं रहना कि वही चीज हम लोग कम चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन को याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास तो एक्सपेरिमेंट नहीं है कि आप इन चीजों को करो तब क्या मिलने वाला है उसका टेस्ट करो, ठीक है। कहीं कहीं तो आपको रंग भी याद रखना पड़ेगा कि इस कलर में बनता है, बहुत टफ चीज है, लेकिन आप करेंगे तो आसान चीज बन जाएगा। तो दूसरा हम लोग जिंक के साथ देखें, अब लिखेंगे सी नंबर, यह अभिक्रिया का सी नंबर है, लिखेंगे सिल्वर साइनाइड के साथ, सिल्वर साइनाइड जिसको AgCN कहते हैं, सिल्वर साइनाइड के साथ, यानी इस बार एथिल ब्रोमाइड तो फिक्स रहेगा, सिर्फ हम लोग को किसके साथ कराना चाहिए, AgCN के साथ, यानी कि सिल्वर साइनाइड के साथ। तो चलिए देखते हैं कि अगर सिल्वर साइनाइड के साथ कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, लिखा जाए जब एथिल ब्रोमाइड को, जब एथिल ब्रोमाइड को सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है सिल्वर साइनाइड के साथ
अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल साइनाइड का निर्माण होता है, एथिल साइनाइड। एथिल साइनाइड का फॉर्मूला लिख लीजिएगा C2H5CN, C2H5CN का निर्माण होता है। चलिए तो हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि अगर सिल्वर साइनाइड के साथ करेंगे तब कैसा एग्जाम्पल होगा, यानी कि एग्जाम्पल में एथिल ब्रोमाइड तो फिक्स है, यहां पे सिर्फ सिल्वर साइनाइड लेना है। तो सिल्वर साइनाइड का फॉर्मूला AgCN, ये सिल्वर साइनाइड है। अगर इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या बनेगा, तो एथिल साइनाइड। तो एथिल का बने C2H5, इसके साथ CN जुड़ जाएगा, यानी कि C2H5CN, इसी को हम बोलेंगे एथिल साइनाइड, एथिल साइनाइड। और आगे क्या बनेगा, तो CN और BR आपस में अदला बदली किया, इसी को तो प्रतिस्थापन भी बोलते हैं। CN यहां आया तो BR इसके जगह पे चल गया, यानी कि AgBr बाहर हो जाएगा, ये हमें काम का नहीं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एथिल ब्रोमाइड को जब हम लोग सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक तरह का प्रतिस्थापन अभिक्रिया बनता है, एक तरह का प्रतिस्थापन अभिक्रिया बनता है जो इस तरीके को फॉलो करता है और हमें एथिल साइनाइड का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, डी नंबर लिखते हैं। डी नंबर लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, और ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया का मतलब समझते हैं। देखिए नाम से आप पता रख लीजिए, ग्रिग्नार्ड का मतलब होता है एमजी के साथ, एमजी के साथ यानी कि मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, तो अब ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया का मतलब हम लोग समझे मैग्नीशियम के साथ, और इसमें हम लोग फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया में जब एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथेन का निर्माण होता है। चलिए इसमें भी वही है, देखिए इसका मतलब ये हुआ भाई कि अगर आप वुड्स अभिक्रिया करा लो, अगर आप फ्रैकलैंड अभिक्रिया करा लो या फिर ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया करा लो, ये तीनों में ही हमें क्या मिलने वाला है, हमें एथेन ही मिलता है। तो ये बहुत अच्छा चीजें हैं, अगर आप किसी भी चीज को जोड़ के याद रखेंगे ना, जोड़ का मतलब सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे यहां पे एथिल ब्रोमाइड है C2H5OBr, इसको अगर ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड में मैग्नीशियम जब लेंगे तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें एथेन बनेगा। तो एथेन मतलब C2H6 एथेन बन गया, और यहां से Br हट जाएगा, यानी कि MgBr हो जाएगा, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो यहां से भी हमें क्या मिलता है, एथेन मिलता है। तो ये चीजें आपको याद रखना चाहिए कि जब एथिल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम या फिर इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया कराया जाए तो एथेन का ही निर्माण होता है। चलिए तो ये उसका एग्जाम्पल में लिख दीजिएगा, हरेक अभिक्रिया का एग्जाम्पल में जरूर लिखेंगे, ठीक है, उसके नीचे। अब हम लोग लिखेंगे नंबर ई में अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्रेट के साथ। इसका फॉर्मूला होता है KNO3, ठीक है, पोटेशियम नाइट्राइड का फॉर्मूला
KNO3, इसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम नाइट्रेट जब एथिल ब्रोमाइड को पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल नाइट्रेट का फॉर्मूला C2H5NO3 का निर्माण होता है, एथिल नाइट्रेट का निर्माण होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं यहां पे कि अगर एथिल ब्रोमाइड को अगर हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट के साथ करेंगे तो क्या क्या बनेगा। तो जैसा कि आपको पता है एथिल नाइट्रेट बनेगा तो उसके नीचे एग्जांपल क्या लिखना है, जरा एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या, तो C2H5Br, इसके साथ हम लोग पोटेशियम नाइट्रेट लिए हुए हैं और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला KNO3, तो इसके साथ जो कुछ भी बनेगा वो एथिल नाइट्रेट बनेगा। तो एथिल में तो क्या है, C2H5, तो यहां एथिल हो गया C2H5 और नाइट्रेट बोल रहे तो नाइट्रेट कब बनेगा, जब NO3 होगा और बाहर क्या निकलेगा, तो पोटेशियम और ब्रोमीन। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एथिल नाइट्रेट। तो देखिए आप इन चीजों को याद रखिएगा कि एथिल ब्रोमाइड का कितना अभिक्रिया होता है, जब वो किसके किसके साथ अभिक्रिया करता है तो क्या क्या बनाता है, ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। उसके अलावा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है यहाँ पे अभिक्रिया को याद रखने के लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा सिस्टमैटिक तरीके से, अच्छे तरीके से याद रखिएगा तो खुद पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, NO3 और Br अपना अपना जगह बदल ले रहे हैं, तो ऐसे ही चीजों को समझकर आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग अभिक्रिया कर रहे थे किसका, एथिल ब्रोमाइड का, ठीक है। अब एथिल ब्रोमाइड का टोटल ई तक की अभिक्रिया हुआ, टोटल 5 अभिक्रिया देखें तो पूरा का पूरा एथिल ब्रोमाइड हमें खत्म हो गया। अब आइए अगला यौगिक के बारे में सीखते हैं जिसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ये VVI पॉइंट से क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछता है, क्लोरोफॉर्म दैट इज VVI पॉइंट। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ किस कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्लोरोफॉर्म के बारे में। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं तो जरा उसके बारे में पहले सीखेंगे कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण कैसे होता है, क्लोरोफॉर्म का संरचना कैसे होता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है वो CHCl3 होता है, याद रखिएगा, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म कहते हैं, CHCl3। तो सबसे पहले क्लोरोफॉर्म में के बारे में जानने के लिए पहला में हम लोग लिखेंगे निर्माण, कि आखिर क्लोरोफॉर्म बनता कैसे है। तो निर्माण में फर्स्ट एरो दीजिएगा, लिखेंगे जब क्लोरल को जब क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH फॉर्मूला होता है, NaOH के साथ, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्लोरोफॉर्म
क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण होता है। चलिए अब अगर हमसे कोई पूछेगा कि आखिर क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, तो क्लोरोफॉर्म का निर्माण हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कोई पूछेगा कि क्लोरोफॉर्म क्या होता है, कैसे बनता है, तो बोलेंगे कि जब क्लोरल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तब यहां पे हमें क्लोरोफॉर्म बनता है। तब हमें क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। जरा समझते हैं कि आखिर क्लोरल क्या होता है। तो देखिए क्लोरल का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना चाहिए। क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3COO-। यहां पे माइनस है, यहां पे बंधन है, CCl3COO-। और किसके साथ अभिक्रिया करना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो क्या बनेगा भाई? तो क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। और बाकी का जो बाहर होगा वो कौन कौन से बाहर होंगे? तो यहां पे इतना चीजें बाहर हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम फॉर्मेट। ठीक है। और ये मेरा क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। ये क्लोरोफॉर्म बनता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि क्लोरोफॉर्म का निर्माण क्या होता है। ठीक है। और जैसा कि जानते हैं हम लोग यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो CHCl3। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म के बारे में आज हम लोग निर्माण पढ़े हैं। क्लोरोफॉर्म के बारे में हम लोग अगले क्लास में कुछ और सीखेंगे। तो आज के क्लास को यहीं तक स्टॉप करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक धन्यवाद।